ओम शांति। बच्चे पूछते सतयुग में देवी देवता कौन बनेंगे, तो बाबा समझाते सतयुग में देवी देवता वही बच्चे बनेंगे जो अभी संगम युग पर देवी देवता स्वरूप को प्रत्यक्ष करेंगे। आप बच्चे पांच स्वरूप का अभ्यास करते, पांच स्वरूप के अभ्यास को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। सर्वप्रथम आप अनादि स्वरूप परम धाम में पिता निराकार परमात्मा के पास पहुंचते हो और पिता निराकार सर्वशक्तिमान से सर्व शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का खजाना प्राप्त करते हो और स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाते हो। फिर आप सतयुग में स्वर्ग का चक्कर लगाते, स्वर्ग में आप देवी देवता 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का अनुभव करते, तो वही स्वरूप आप बच्चों को संगम युग पर प्रत्यक्ष करना है, तो ही आप सतयुग में देवी देवता बन सकेंगे। फिर द्वापर कलयुग में आप बच्चे अपनी जड़ मूर्तियों द्वारा, अपने चित्रों द्वारा भक्तों की, दुखी आत्माओं की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करते हो। सुबह अमृत बेले से लेकर रात तक हर समय आप भक्त आत्माओं की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करते हो। बाबा आपके द्वारा साक्षात्कार कराता, हर आत्मा को सुख शांति की सकास दिलाता। तो जो बच्चे अभी संगम युग पर भक्तों की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, अमृत बेला से उठकर बाबा से सर्व खजाने प्राप्त कर भक्त आत्माओं को, दुखी आत्माओं को, रोगी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को शांति प्रदान करेंगे, सुख प्रदान करेंगे, उन्हें निश्चिंत बनाएंगे, निर्भय बनाएंगे, बलवान बनाएंगे, वे ही बच्चे सतयुग में देवी देवता पद को प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम आप बच्चे अपने फरिश्ताई स्वरूप में स्थित हो जाओ और अपने हर स्वरूप को इस संगम युग पर प्रत्यक्ष करो। ब्राह्मण स्वरूप में 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओ। अमृत बेला नुमा श्याम में भक्त आत्माओं की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मनसा सेवा करो, विश्व का चक्कर लगाते रहो। जैसे प्राचीन काल में कोई राजा होता था, वह राजा अपनी प्रजा के दुख दूर करने के लिए अपने राज्य का चक्कर लगाते थे और देखते थे, दुखियों के दुख दूर करते थे, ऐसे ही आप बच्चों को अभी संगम युग पर ही फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर सारे विश्व का चक्कर लगाना है, हर दुखी अशांत आत्माओं को सुख और शांति की सकास देनी है। जड़ मूर्तियों में जाकर अपने समक्ष भक्तों को अनुभव करें, भक्त आत्माओं के दुख दूर करो। ऐसे ही आप अपने सभी स्वरूपों को संगम युग पर प्रत्यक्ष करो, तो ही आप सतयुग में देवी देवता पद को प्राप्त कर सकेंगे।
अब अपने पांच स्वरूपों की विशेषताओं को, गुण ज्ञान तथा शक्तियों को योग अभ्यास द्वारा अनुभव करेंगे। सर्वप्रथम अनादि स्वरूप परमधाम में देखें स्वयं को, बिंदु आत्मा स्वरूप में। महसूस करें स्वयं को पिता निराकार परमात्मा के पास। मैं निराकार आत्मा परम पवित्र हूं। पवित्रता के सागर पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पिता सर्वशक्तिमान की संतान हूं। मैं आत्मा ज्ञान सागर पिता परमात्मा शिव की संतान। मास्टर ज्ञान का सागर शालिग्राम आत्मा हूं। मैं निराकार आत्मा हूं। निराकार पिता परमात्मा की संतान हूं। निराकारी दुनिया परमधाम की वासी हूं। अब आ जाएं अपने आदि स्वरूप में। आदि स्वरूप सतयुग देवी देवता स्वरूप में। देखें स्वयं को पवित्र चोले में। मैं आत्मा सतोप्रधान प्रकृति पर। सतोप्रधान देह में सतोप्रधान वायुमंडल में सतयुग में हूं। मैं अपने देवीय स्वरूप में रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हूं। महसूस करें स्वयं को स्वर्ण महल में।
देखें अपने मस्तक पर डबल ताज। रत्न जड़ित ताज और पवित्रता का ताज। चारों ओर अनुभव करें हरियाली ही हरियाली। अनुभव करें मैं आत्मा। सोलह कला संपूर्ण हूं। सर्व गुणों से संपन्न हूं। मैं आत्मा निर्विकारी हूं। संपूर्ण अहिंसक हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। अब आ जाएं अपने पूज्य स्वरूप में। द्वापर युग कलयुग में जड़ मूर्तियों में विशाल मंदिरों में देखें अपने सम्मुख भक्त आत्माओं को। दुखी आत्माओं को। रोगी आत्माओं को। भयभीत आत्माओं को। अनुभव करें स्वयं को अष्टभुजाधारी दुर्गा स्वरूप में। अपने हर्षित चेहरे द्वारा अपने शक्तिशाली नैनों द्वारा अपनी अष्टभुजाओं द्वारा भक्तों की दुखी आत्माओं की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करें। महसूस करें अपने अंग अंग से निकलती दिव्य शक्तियों को। भक्त आत्माएं दुखी आत्माएं इन दिव्य शक्तियों को स्वयं में समाती जा रही हैं। और स्वयं को दुख अशांति से मुक्त होता अनुभव कर रही हैं। भयभीत आत्माएं निर्भीक बन रही हैं।
रोगी आत्माएं रोगों से मुक्त हो रही हैं। अपने विघ्न विनाशक गणेश स्वरूप को इमर्ज करें। देखें विशाल मंदिर में अपने गणेश स्वरूप को। मैं आत्मा विघ्न विनाशक गणेश हूं। सभी भक्तों के विघ्न हरने वाला विघ्नहर्ता गणेश हूं। भक्त मेरा आह्वान कर रहे हैं, मेरी महिमा के गीत गा रहे हैं। अब आ जाएं अपने ब्राह्मण स्वरूप संगम युग में। संगम युग पर मैं आत्मा अपने ब्राह्मण स्वरूप में हूं। मेरा पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में विराजमान है। बाप टीचर सद्गुरु बनकर मेरी पालना कर रहे हैं। अपनी दिव्य शक्तियों से ज्ञान के गुह्य रहस्यों से गुणों के खजाने से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। मैं ब्राह्मण आत्मा त्रिकालदर्शी हूं। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूं। मैं हर राज को जानने वाली राजयोगी हूं। मैं अपने ब्राह्मण स्वरूप में सोलह कला संपूर्ण हूं। सर्वगुण संपन्न हूं। संपूर्ण निर्विकारी हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। मैं ब्राह्मण आत्मा सभी मनुष्य आत्माओं को दुखी अशांत रोगी आत्माओं को अज्ञान आत्माओं को अपनी शुभ कामना शुभ भावना द्वारा पिता परमात्मा के वर्षे का अधिकारी बना रही हूं।
मैं आत्मा अपने ब्राह्मण स्वरूप में। विश्व कल्याणकारी हूं। विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा। मेरे द्वारा श्रेष्ठ कर्तव्य करा रहे। अब आ जाएं अपने पांचवें स्वरूप, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में। देखें स्वयं को सूक्ष्म चमकदार फरिश्ता स्वरूप में। महसूस करें मैं फरिश्ता हूं। पांच तत्वों की दुनिया से न्यारा। देह के संबंधों से न्यारा। देह के संस्कारों से न्यारा। लाइट माइट फरिश्ता हूं। मैं फरिश्ता पृथ्वी ग्लोब पर विराजमान हूं। पिता परमात्मा के दिव्य प्रकाश को स्वयं में समाकर संपूर्ण संपन्न बन रहा हूं। और विश्व की एक एक आत्मा को पांचों तत्वों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहा हूं। मैं फरिश्ता हूं। इन पांचों स्वरूप की स्मृति ही हमें समर्थि दिला देगी। हम स्वर्ग सतयुग में देवी देवता पद को प्राप्त करने के लायक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।